आज की क्लास में हम पीएचपी में स्ट्रिंग्स के बारे में जानेंगे। आपने पहले भी स्ट्रिंग्स को पढ़ रखा है, बट पीएचपी में स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए चार मेथड्स हैं यहाँ पर। अब देख पा रहे हैं कि चार मेथड्स के द्वारा या चार तरीके हैं जिसके द्वारा हम स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रिंग्स जो होते हैं कैरेक्टर के सिक्वेंस को स्ट्रिंग कहते हैं। यानी कि अगर आपका कोई कैरेक्टर पी है और एच है और फिर से पी है, तो इन तीनों का जो सिक्वेंस है इनको हम स्ट्रिंग कहेंगे। और स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे में एक डिफरेंस होता है कि स्ट्रिंग जो है वो लास्ट में नल कैरेक्टर से एंड होती है। तो ये जो कोई वर्ड हम लिखते हैं या कोई सेंटेंस लिखते हैं एक्चुअली एक स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग में वाइट स्पेस को भी कैलकुलेट किया जाता है। तो किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे पीएचपी जो है स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए कुछ एडिशनल फीचर्स का यूज करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पीएचपी जो है यूनिकोड यानी कि 256 कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है अपने स्ट्रिंग में। यानी कि आपको एक कैरेक्टर सेट यूज कर रहे हैं 256 वाला, यानी ASCII वैल्यू को ये सपोर्ट करता है। ASCII वैल्यू जो है किसी भी कैरेक्टर का या किसी अल्फाबेट का या फिर किसी भी एक सिंगल कैरेक्टर का न्यूमेरिक कोड होता है, स्टैंडर्ड न्यूमेरिक कोड होता है जिस नंबर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? तो पीएचपी में स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए चार मेथड्स हैं। पहला मेथड है सिंगल कोड। सिंगल कोड के द्वारा आप पीएचपी में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डबल कोट के द्वारा कर सकते हैं, हियर डॉक के द्वारा कर सकते हैं और न्यू डॉक सिंटेक्स के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन चारों सिंटेक्स में इन चारों सिंटेक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं और क्या क्या सभी में अंतर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि डबल कोट वाला जो सिंटेक्स है वो पुराना सिंटेक्स है। पुराने सिंटेक्स में डबल कोट के द्वारा ही यूज किया जाता था। यानी कि ये जो तीन नए सिंटेक्स दिख रहे हैं, सिंगल कोट और हेयर डॉक और न्यू डॉक, ये नए हैं। ये जो आपका है पुराना है। पुरानी लैंग्वेजेस जैसे जावा, सी, सी प्लस प्लस वगैरह में आपको डबल कोटेड जो स्ट्रिंग है वो दिखाई देंगे आपको। क्लियर है? आइए देखते हैं कि सिंगल कोटेड स्ट्रिंग, डबल कोटेड स्ट्रिंग और बाकी सारे फॉर्मेट में क्या अंतर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिंगल कोटेड स्ट्रिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया है पीएचपी टैग के अंदर और इसके अंदर सिंगल कोटेड स्ट्रिंग लिखा, यानी कि सिंगल कोट ओपन और सिंगल कोट क्लोज किया यहाँ पर, और उसके बीच में कोई भी कैरेक्टर का सीक्वेंस लिखा है। इस कैरेक्टर के सीक्वेंस की कुछ मीनिंग है जो हम समझ पा रहे हैं। इसमें वाइट स्पेस या ब्लैंक स्पेस भी शामिल किया जाता है। तो पूरा स्ट्रिंग जो है ये एच से स्टार्ट हो रहा है और ई पे खत्म हो रहा है और इनको सिंगल कोट से बंद किया गया है। ये जो टेक्निक है यूज की जाती है पीएचपी में ताकि हम इंटरनल जो जब हम नेस्टेड स्ट्रिंग बनाते हैं उसमें ये डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। आपने देखा था कि आप दो स्ट्रिंग बनाते हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरे स्ट्रिंग बनाते हैं, तो वो बाहरी जो स्ट्रिंग रहती है उसको हम डबल कोट से दिखाते हैं और जो अंदर की स्ट्रिंग होती है उसको सिंगल कोट से दिखाते हैं। तो नेस्टेड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। क्लियर है? तो ऐसे पहला जो मेथड है जिसमें हम स्ट्रिंग को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंगल कोट के द्वारा और इको करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। बाकी सारे फॉर्मेट जो है वो पीएचपी के यहाँ पर यूज हो रहे हैं। क्लियर है? जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे जैम सर्वर पर तो ये हमारा आउटपुट आएगा। क्लियर? अब आप यहाँ पर और भी चीजें देख सकते हैं कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे बैक स्लैश को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल स्लैश का यूज किया जाता है या स्लैश आर जो है वो रिटर्न के लिए होता है, न्यू लाइन के लिए स्लैश एन होता है। ये सारे जो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। क्लियर? तो इसको हम देखेंगे कि डबल स्लैश, बैक स्लैश वगैरह जो है ये क्या काम करते हैं, इसको और आगे देख लेते हैं। पहले हमने देखा कि सिंगल कोटेड स्ट्रिंग जो कि पुरानी लैंग्वेजेस में यूज नहीं होते थे, जैसे पुरानी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा, सी, सी प्लस प्लस, इसमें डबल कोटेड स्ट्रिंग यूज होते हैं। यानी कि आप अगर स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उनमें कैरेक्टर के सिक्वेंस को डबल कोट के अंदर लिखना होता है आपको।
इससे ये चीज होती है कि आप नेस्टेड स्ट्रिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे मुझे ये भी एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है, ऐसा रिप्रेजेंट करना है, तो मैं ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था क्योंकि कंप्यूटर इसको एक स्ट्रिंग समझता है, एच से स्टार्ट होते हुए और एन पे खत्म होता हुआ यहाँ पर एक स्ट्रिंग समझता है, यहाँ पर स्ट्रिंग को एंड कर देता है और सिंगल जो है वो अपने आप में अलग सेपरेट एंटिटी बन जाती है और ये वाला एक सेकेंड स्ट्रिंग मान लेता है और इस कंडीशन में एरर जनरेट हो जाएगा। जबकि सिंगल कोटेड स्ट्रिंग का अगर यूज करें ऐसा, तो ये हमको पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलेगी क्योंकि इस डबल कोट का एंडिंग यहाँ पर हो रहा है और उसके इस बड़ी स्ट्रिंग के अंदर एक छोटी स्ट्रिंग है, नेस्टेड स्ट्रिंग, ऐसा सपोर्ट हमको मिलता है सिंगल कोट और डबल कोट दोनों का यूज करने पर। ये था सिंगल कोटेड स्ट्रिंग, इसको हमने यूज भी कर रखा है। आगे देखते हैं नया जो फॉर्मेट है, दूसरा फॉर्मेट। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख पा रहे हैं कि मैंने सिंगल कोटेड स्ट्रिंग बनाई है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि str1 नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है और सिंगल कोट से इसकी स्टार्टिंग हुई है, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए आप मल्टीपल लाइन्स को लिखे हैं, आपको पता है कि HTML में जब इसको प्रिंट किया जाएगा तो मल्टीपल लाइन्स प्रिंट नहीं होती बल्कि वो इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, हेलो टेक्स्ट के बाद मल्टीपल लाइन यहाँ पर आएगी। वो ऐसा इसलिए होता है जब तक हम br नहीं लगाते हैं तब तक वो नेक्स्ट लाइन पर नहीं आता है, भले आप नीचे ही क्यों ना लिखें। ये पहला जो स्ट्रिंग है वो एच से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो इस str1 को अगर मैं इको करूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट जो सेवेंथ स्टेटमेंट है वहां लिखा हुआ है str1 और उसके आगे डॉलर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो str1 का जो आउटपुट होगा वो होगा हेलो टेक्स्ट और इसके आगे ही होगा मल्टीपल लाइन और इसके आगे होगा टेक्स्ट विद इन सिंगल कोटेड स्ट्रिंग। तो ये जो पहली लाइन का जो आउटपुट आया है ये str1 का है, उसके बाद br टैग को लगाया गया ताकि लाइन चेंज हो जाए, उसके बाद str2 और str3। तो अब str2 का एग्जांपल देखिए, ये जो यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं इसी को मैं बता रहा था कि आप नेस्टेड स्ट्रिंग यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये यूजिंग डबल कोट और यहाँ पर डबल कोट लगाया गया है, तो आप देख रहे हैं कि डबल कोट एज इट इज प्रिंट हो जा रहा है। यहाँ पर ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं होता अगर यहाँ पे आप डबल कोट लगाते और यहाँ भी डबल कोट लगाते, क्योंकि यह डबल कोट यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग मानता और यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा स्ट्रिंग मानता और इसको अलग से छोड़ देता, क्लियर है। तो ऐसी कंडीशन में एरर आ जाता, लेकिन ये दोनों ही स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, इसलिए इनको ये अलग अलग करके यहाँ पर स्ट्रिंग की ओपनिंग है और यहाँ पर क्लोजिंग है, क्लियर है, और इसको ये प्रिंट कर सकता है। तो ये सेकेंड लाइन का जो आउटपुट है str2 वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। थर्ड लाइन का जो आउटपुट है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे ये डिस्प्ले किया जा रहा है स्लैश के साथ, स्लैश n जो है इन्हें सिंगल कोट के अंदर लिखा गया है इसलिए ये एज इट इज प्रिंट हो जा रहा है, क्लियर। इस तरीके से आप स्पेशल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट को भी सिंगल कोट और डबल कोट के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से प्रिंट करा सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखा हमने, इसके आगे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट को प्रिंट कराने के लिए, बैक स्लैश वगैरह को प्रिंट कराने के लिए कैरेक्टर कांस्टेंट है, उनको देखते हैं कि उनको कैसे प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक और एग्जांपल है जिसमें हम यहाँ पर इस चीज को देखते हैं ध्यान से। आप देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल बना है num1 और इसमें वैल्यू दी गई है 10, तो किसी स्ट्रिंग के अंदर अगर आप डॉलर साइन के साथ वेरिएबल का नाम देंगे तो ये इसकी वैल्यू प्रिंट कर देता है, क्लियर है। और यहाँ वैल्यू प्रिंट करना था। अगला देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराए हमने, यहाँ पर आउटपुट में कुछ गड़बड़ी है, 10 आउटपुट आना चाहिए यहाँ पर, फिलहाल ऐसा इतने में गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर जब हम डॉलर साइन के साथ अगर कोई वेरिएबल का नाम देंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है, और बैक स्लैश को भी हम सिंगल कोट के अंदर यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए बैक स्लैश के द्वारा हम यहाँ पर स्लैश एन और स्लैश टी को एज इट इज प्रिंट कर सकते हैं, जो कि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है,
इन कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। ये कैरेक्टर कांस्टेंट जो होते हैं उन वो ग्रुप में होते हैं, यानी एक से अधिक कैरेक्टर्स होते हैं और उनकी एक सिंगल वैल्यू होती है। ऐसे ऐसे ग्रुप के कैरेक्टर्स को हम कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं और इनका यूज किसी स्पेशल टास्क के लिए किया जाता है। जैसे स्लैश एन का यूज हमको किया जाता है न्यू लाइन के लिए, स्लैश टी का यूज किया जाता है टैब के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है, ग्रुपिंग इसलिए की जाती है क्योंकि अगर मैं इसका ग्रुप नहीं करता हूँ तो कभी ना कभी किसी ना किसी एक कैरेक्टर को रिजर्व करना पड़ेगा एक स्पेशल टास्क के लिए। जैसे मान लीजिए मैं एन का यूज करता हूँ न्यू लाइन के लिए, तो जब भी मैं कैरेक्टर में लिखूंगा, यहाँ पर मान लीजिए मैं मोहन लिखता हूँ, तो वहां पर एन कभी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एन का यूज होगा न्यू लाइन के लिए। तो एक कैरेक्टर मुझे रिजर्व करना पड़ेगा जो कि सही चीज नहीं है। अल्फाबेट को हम रिजर्व नहीं कर सकते हैं, ये किसी एक चीज को रिजर्व नहीं कर सकते हैं, किसी एक कॉम्बिनेशन को रिजर्व कर सकते हैं। इन ये कॉम्बिनेशन जब भी मिलेगा, अगर मुझे स्लैश प्रिंट करना है तो मैं ऐसा प्रिंट कर देता हूँ, तो मैं ऐसा बताता हूँ, मुझे स्लैश प्रिंट करना है तो ऐसा प्रिंट कर दूंगा, एन प्रिंट करना है तो ऐसा प्रिंट कर दूंगा। लेकिन जब भी स्लैश और एन एक साथ आएंगे तो ये कभी प्रिंट नहीं होता, इसकी एक नई स्पेशल मीनिंग होती है, इसको कैरेक्टर कॉन्स्टेंट कहा जाता है। क्लियर है? और उसकी मीनिंग चेंज नहीं होती है, जो मीनिंग है वो रहेगी पुरानी। यहाँ पर देखिए कि आपने थर्ड जो एग्जांपल है इसमें आपने कैरेक्टर कांस्टेंट को यूज किया है। ये एग्जांपल काफी अच्छा है, आपको देखेंगे थर्ड लाइन जो है ये str की, इसमें स्ट्रिंग को यूज किया गया है। इसका आउटपुट पहले आप देखिए यहाँ पर, और आउटपुट में क्या आया है, तो आप यहाँ पर सिंगल कोट को ही स्टार्ट किए हैं और सिंगल कोट से ही खत्म किए हैं। लेकिन बीच में अगर सिंगल कोट स्टार्ट किए और बीच में सिंगल कोट खत्म किए तो ये इसको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है? इसका एक रीजन है, इसका रीजन है कैरेक्टर कांस्टेंट जो मैंने अभी बताया। यहाँ से लेके यहाँ तक वो एक स्ट्रिंग नहीं मान रहा है, वो स्ट्रिंग मान रहा है यहाँ पे यू से स्टार्ट हुआ और एच पे खत्म हुआ। बीच में इसको स्ट्रिंग क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी सिंगल कोट आएगा तो वो स्ट्रिंग या तो स्टार्ट हो रही होगी या तो खत्म हो रही होगी। क्लियर है? अगर यहाँ पर सिंगल कोट आया तो उसके आगे अगर कोई सिंगल कोट है तो इसको स्टार्टिंग मानेगा और इसको एंडिंग मानेगा। लेकिन जब दो कैरेक्टर एक साथ आ जाते हैं, स्लैश के साथ कुछ आ जाता है, स्लैश को स्पेशली कैरेक्टर कांस्टेंट को डिजाइन करने के लिए ही रखा गया है, तो स्लैश के साथ अगर कुछ आता है तो वो अपनी मीनिंग खो देता है। यानी कि ये स्लैश के साथ अगर ये आया है तो ये अपनी मीनिंग खो देगा, और स्लैश और इन दोनों का कॉम्बिनेशन का एक अलग मीनिंग होता है जिसको कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। इस कैरेक्टर कांस्टेंट का यूज होता है एज इट इज इसको प्रिंट करने के लिए। तो इसकी जो मीनिंग थी कि स्ट्रिंग की स्टार्टिंग और स्ट्रिंग की क्लोजिंग करना, वो अपनी मीनिंग खो दिया। वैसा ही देखिए सेम यहाँ पर भी इन दोनों का सिक्वेंस आया। अगर मैं इनके बीच में स्पेस दे दूं तब फिर यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ तभी काम करेंगे जब विदाउट एनी स्पेस ये एक दूसरे के साथ आएंगे, और ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। तो स्लैश के साथ जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो आते हैं तो वो अपनी मीनिंग खो देते हैं। यानी यहाँ पर देखिए डबल स्लैश आया, यानी पहला स्लैश के साथ दूसरा स्लैश आया, तो इस स्लैश की मीनिंग खो गई, स्लैश बी की मीनिंग हो गई, और ये स्लैश इन दोनों का मीनिंग क्या हुआ, इसको एज इट इज प्रिंट करना। तो आप यहाँ पर आउटपुट देख पा रहे हैं ऐसा। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता तो आउटपुट ऐसा आता। तो स्लैश के साथ अगर आप कोई भी चीज लिखते हैं विदाउट एनी स्पेस तो उसकी जो स्पेशल मीनिंग रहती है वो अपनी मीनिंग खो देता है और एज इट इज वो प्रिंट होने लगता है। तो कोई भी कैरेक्टर जो है आप प्रिंट करा सकते हैं स्लैश के साथ। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्लैश एन प्रिंट कराइए, स्लैश एन क्या कराना है आपको, प्रिंट कराना है। जैसे मैं C++ में बोलूं तो सी आउट आप लिखेंगे स्लैश एन, ऐसे प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, या सी लैंग्वेज में आप लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंट एस और आप प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे स्लैश एन।
ये प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि स्लैश एन एज इट इज स्क्रीन पर नहीं दिखता, बल्कि एक लाइन नीचे आ जाएगी, लाइन चेंज हो जाएगा, जबकि प्रिंट नहीं होगा। लेकिन स्लैश एन प्रिंट कराना है तो दो बार स्लैश लगा दीजिए, तो ये जो स्लैश है वो अपनी मीनिंग खो देगा, ये अपनी मीनिंग खो देता है, और स्लैश एज इट इज प्रिंट होता है और एन भी प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसा डबल लगाने से प्रिंट हो जाता है, जो कि यहाँ पर किया गया है। क्लियर? यहाँ पर भी आप डबल स्लैश लगाएंगे तो वो अपनी मीनिंग खो देगा। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर जो स्लैश लगाया गया है वो एक स्पेशल कैरेक्टर्स की मीनिंग को खत्म कर देता है। इसको हम कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं, ये जो है कैरेक्टर कांस्टेंट या एस्केपिंग सीक्वेंस भी कहा जाता है। इसको दो तीन नाम से जानते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर लिटरल्स या फिर स्केपिंग सीक्वेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो स्लैश का यूज होता है स्केपिंग सीक्वेंस के मीनिंग को खत्म करने के लिए। तो आपने ये एग्जांपल में देखा कि इस तरीके से यहाँ पर तीनों का आउटपुट ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को, अलग अलग टाइप के स्ट्रिंग को ऐसा हैंडल कर सकते हैं। डबल कोटेड स्ट्रिंग के बारे में हमने पहले भी देख रखा है, पुरानी लैंग्वेजेस में डबल कोटेड स्ट्रिंग ही यूज की जाती है। स्ट्रिंग को डबल कोट से स्टार्ट किया जाता है और डबल कोट के से बंद किया जाता है। इनके बीच के जितने भी कैरेक्टर के सीक्वेंस हैं वो एज ए स्ट्रिंग लिए जाते हैं। इसमें वाइट स्पेस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। अगर इनके बीच में मैं कोई नंबर लिख देता हूँ तो ये 9 एक नंबर ना होकर के स्ट्रिंग का पार्ट हो जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूँ 999, तो यहाँ पर ये जो 999 है वो एक स्ट्रिंग है ना कि नंबर है। मैं इसमें अब अरिथमेटिक कैलकुलेशंस नहीं कर सकता हूँ। ध्यान देना है कि आप स्ट्रिंग पे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। मैं इसमें प्लस 1 नहीं कर सकता, ये वैलिड नहीं है। मुझे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, दोबारा फिर मैं प्लस 1 कर पाऊंगा। यानी हम नंबर्स को भी डबल कोट में लिखें तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और स्ट्रिंग सारे अल्फाबेट और आपके कैरेक्टर्स स्मॉल एंड कैपिटल, नंबर्स 0 to 9 सभी चीज का सीक्वेंस होता है। डबल कोट से स्टार्ट करके डबल कोट में बंद किया जाता है। ये लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जाता था, बट पीएचपी में सिंगल कोट वाला भी यूज किया जाता है। इसके अलावा दो और मेथड्स हैं, उसको भी हम देखेंगे। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और